छह नंबर कमाए, छह नंबर में 50,000 रैंक का फर्क पड़ गया। क्या लिखा है ये? फ्लूक, यानी कि मतलब तुक्का। अगर इस वीडियो को ये देखने आए हो कि मैं कुछ ऐसा बता दूंगा, मैं तुक्के लगाना सिखा दूंगा ताकि तुम्हारे मार्क्स की एकदम से बरसात हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है, वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। लेकिन अगर ये सीखना चाहते हो कि किस तरीके से जो टॉपर्स हैं वो अपने पेपर को स्मार्टली अटेम्प्ट करते हैं और कमिट कर रहे हो कि मेरा एक ग्रोथ माइंडसेट है और मैं इस वीडियो को पूरा देखूंगा, कुछ सीखूंगा इस वीडियो से, तो आगे बढ़ सकते हैं यार वीडियो की तरफ। इस चीज़ को मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि टॉपर्स भी इस चीज़ को यूज़ करते हैं, बट वो तुक्का नहीं होता, उसको कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। मैंने बात करी यार 5-6 लोगों से जो आईटी दिल्ली में पढ़ रहे हैं, आईटी बॉम्बे में पढ़ रहे हैं, मेरे ही दोस्त हैं, मेरे साथ मेरी कोचिंग में बैठा करते थे, और जब उनसे मेरे को पता चला कि उन्होंने भी ये चीजें करी थी, ये भाई वो लोग हैं जिनकी डबल डिजिट रैंक है, ट्रिपल डिजिट रैंक है। अब टाइम आ गया फाइनली मैं तुम्हें कुछ चीजें ऐसी बताने वाला हूं जिससे तुम्हारे मार्क्स सही में मैक्सिमाइज हो सकते हैं अगर इन चीजों को तुम स्मार्टली अप्लाई करो। जरूरत यह है कि वीडियो को तुम्हें पूरा देखना होगा, बीच में देखोगे हाफ नॉलेज इज बैड नॉलेज, इस चीज को हम याद रखेंगे। जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगा कि व्हाई एंड व्हेन, ठीक है, इस चीज का सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, हमें क्यों करना चाहिए और कब करना है। उसके बाद मैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा, ये वो वीडियो नहीं होने वाली है कि कुछ समझना है तो सी पे मार दियो, डी पे भेड़ दियो, भाई कुछ समझना है, वो चीज नहीं होने वाली है ये। इसमें थोड़ा लॉजिकली चलेंगे और ये देखेंगे कि कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे और उनको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, जो क्वेश्चन 3 मिनट है उसको 15 सेकंड में लाके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो वीडियो की तरफ चलते हैं जल्दी। सबसे पहले वाई को मैं आंसर करना चाहता हूं और वेन को आंसर करना चाहता हूं। तो वाई तुम समझ गए हो, ठीक है, ऑलरेडी की टॉपर्स भी इसे यूज करते हैं और ये एक तरीका है कि हमें अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करना है, जो क्वेश्चन सही में टाइम मांगते हैं, जिन्हें हमें ज्यादा टाइम एलोकेट करना चाहिए, तो उसका टाइम कहां से निकलेगा, 180 मिनट है सभी के पास, तो उस वक्त हमें क्या करना होगा, जो ऐसे क्वेश्चन है जिनको हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई तुमसे नहीं पूछ रहा रिजल्ट के वक्त कि भाई तूने कितने क्वेश्चन का आंसर निकाला था अपनी रफ शीट पे, वो रफ शीट कूड़े में जाती है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो हमें ऐसी चीजें देखनी होगी कि हमें आंसर आता भी है फिर भी हम उसका शॉर्टकट मेथड लगाएंगे ताकि हमारा टाइम बच सके। कब करना है, अगर दिमाग में बिल्कुल चुल मच रही है, टॉपिक तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा था लेकिन फिर भी जेई के वक्त ऐसा हुआ कि क्वेश्चन में बैठे हो 5-6 मिनट लेकिन वो सॉल्व नहीं हो पा रहा और तुम्हें पता है तुम आगे बढ़ोगे तो भी दिमाग में रहेगा कि मेरा ये क्वेश्चन नहीं हुआ और तुम्हें जल्दी से एक कॉल लेनी है फाइनल, तो तुम कैसे चीजों को अप्रोच कर सकते हो। तो यार टाइम स्टैम्प देख लो। सबसे पहले अगर तुम्हें प्रॉब्लम्स का देखना है तो यहाँ पे दिख जाएगा तुम्हें, तो उसमें बताऊंगा कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स फिजिक्स की, मैथ्स की, किस तरीके से तुम जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, और उसके बाद थोड़ी सी जनरल टिप्स दूंगा ताकि एमसीक्यूज को तुम एस कर सको बिल्कुल, ठीक है। तो उसका टाइम स्टैम्प तुम्हें यहाँ दिख जाएगा, तुम्हें जो देखना वो देखो, मैं सजेस्ट करूंगा पूरी वीडियो देखो। सबसे पहले यार मैथ्स डिस्कस करना चाहूंगा मैं तुम्हारे साथ। अब देखो तुम्हें भी पता है कि जेई का पेपर है तो सिंपल तुम्हारे आंसर ऐसे 10 या 15 ऐसे तुम्हारे ऑप्शन हो, ये तो होता नहीं, सारे ऑप्शन होते हैं ए की टर्म्स में या एन की टर्म्स में, एन स्क्वायर माइनस 2n+2 ऐसे कुछ ऑप्शन तुम्हारे होते हैं जनरली, ठीक है। तो अब इनको कैसे डील करना है, अब तुम बोलोगे कि भाई हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, 0 डाल देंगे या 1 डाल देंगे, क्वेश्चन भी एन की टर्म्स में, उसमें डालेंगे ऑप्शन से देखेंगे क्या मैच हो रहा है और अपना आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं कहता हूं गलत है 0-1 डालना। क्यों गलत है 0-1 डालना, एग्जामिनर है जो तुम्हारे सामने बैठा है, वो एनटीए के वहां पे बैठा है कुर्सी पे, उसे भी पता है कि बच्चा जो पहली अप्रोच होगी उसकी यही होगी कि वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेगा, वो इस तरीके से वैल्यूज डालेगा। तो अगर 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो ऐसी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि तुम 0 और 1 डालो और उससे तुम्हारे 2 ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि एक ऑप्शन को उसने इसीलिए प्लांट किया है कि बंदा या तो कंफ्यूज हो जाएगा या उसका टाइम वेस्ट हो गया, तुमने 0 या 1 वैल्यू डाली, ठीक है, हर कोई इसी को डालता है। तो एक सजेशन ये रहेगा कि यार 0-1 मत डालो, थोड़ा सा बड़ा नंबर डालो, ठीक है, 2 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, -2 डाल दो अगर मतलब ऐसा वो रियल वाला चक्कर नहीं है, इसके अलावा 4 डाल दो, 10 डाल दो, ये वाला नंबर डाल दो, कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी लेकिन तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। मैं ये कह रहा हूं ऐसा वाला सिनेरियो नहीं होगा कि 2 ऑप्शन सही बन रहे हैं। तो पहली चीज ये हो गई, ठीक है। अब दूसरी चीज जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मुझे पता है सबको भाई नफरत सी है लेकिन सॉल्व तो करना है क्वेश्चन, तो इसमें भी अजीब सी एंगल्स की वैल्यू वगैरह होती है, तो हम क्या करें, कॉस वॉस में दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, एंगल्स की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, 30 डिग्री डाल दो, π/6 डाल दिया या π/3 डाल दिया, ठीक है, 60 डिग्री डाल दो, 90 डिग्री डाल दो, 90 डिग्री में भी जनरली ऐसा होता है कि 90-180 ये वाले वो देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कैलकुलेशन इसमें सिंपल हो जाएगी, कॉस 90 साइन 19 सबकी, तो 90 को थोड़ा सा अवॉइड करना, लेकिन 30-60-45 डिग्री ये सब तुम डाल सकते हो, ठीक है। दो चीजें हो गई, जल्दी से सारे तुम्हारे ट्रिकों के काफी ज्यादा क्वेश्चन निकल जाएंगे, मैथ्स किस तरीके से तुम्हारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। तीसरी चीज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के क्वेश्चन आते हैं, तुमने देखा होगा ना वो सारे जो रूल्स वगैरह तुमने पढ़े, साइन रूल को साइन रूल, उसके अंदर क्या करना है, जो ट्राइंगल है उसको इक्विलैटरल मान लो, ठीक है, तुम्हें पता है ना ये ए बी सी ऐसे साइड्स होती हैं तुम्हारी, उसके बाद ये होता है एंगल ए, ये होता है एंगल सी और ये होता है एंगल बी, कोई भी ट्रायंगल देंगे उसके लिए तुम्हें कोई भी चीज प्रूव करनी है, ठीक है, एक्सप्रेशन दे रखे कि कौन सा ट्रू है, ट्रायंगल को इक्विलेटरल मान लो कोई भी ट्रायंगल हो सकता है ना, तो सारी चीजों इक्विलेटरल के लिए भी ट्रू है, तो तुम्हारे जो एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है, तीनों हो गए तुम्हारे 60 डिग्री के बराबर, और दूसरी चीज जो तुम्हारी साइड है वो हो गई A=B=C। जनरली ये चीज करने से तुम्हारे जो क्वेश्चन है ना वो सिंप्लीफाई हो जाते हैं, तुम्हारा जो आंसर है वो जल्दी से निकल जाता है। अब इसको हम तुक्का मारना नहीं बोलेंगे, इसको हम कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, उसमें हो सकता है कुछ एक्सेप्शन भी हो, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी, इसमें भी, लेकिन एक काफी तगड़ा कैलकुलेटेड रिस्क है कि तुम्हारा जो ऑप्शन होगा वो सही ही होगा। तो एंगल ए एंगल बी एंगल सी मान लेंगे, A=B=C मान लेंगे, ठीक है, तीन टिप्स हो गई, ये समझ गए, ये समझ गए और ये समझ गए। चौथी टिप जो यार वो है तुम्हारी डिफरेंशियल कैलकुलस के, जो लिमिट्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या करना है, तो जो यार लिमिट्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें सिंपल सी चीज याद रखो कि कोई भी लिमिट है वो इसके लिए भी ट्रू होगी, ठीक है, एन को टेंडिंग
टू इन्फिनिटी करवा दो, लिमिट सिंपल हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। जनरली सिर्फ लिमिट का क्वेश्चन नहीं आता, उसके साथ एसोसिएटेड क्वेश्चन होता है, ठीक है, मतलब लिमिट निकालनी होगी, उसके आगे भी तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा, लेकिन इसको एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी डालने से तुम्हारा क्वेश्चन सिंपल हो जाता है, जो लिमिट है ना वो एक सिंपल लिमिट बन जाती है। तो इस चीज को भी हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पांचवी चीज यार एक और है, ठीक है, जैसे तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन है भाई, एन की टर्म्स में कोई क्वेश्चन है या ए की टर्म्स में कोई क्वेश्चन है, और उसके अंदर मतलब एक डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, न्यूमरेटर वाला पार्ट है, और अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें लग रहा है कि मैंने कोई वैल्यू डाली, दो वैल्यू डाली या तीन वैल्यू डाली, उस पे तो जो ये है ना डिनोमिनेटर तुम्हारा, ये तुम्हें पता है कहां लिखूं भाई, जो ये नहीं है, रुको रुको, जो तुम्हारा डिनोमिनेटर होता है तुम्हें पता है कि वो जीरो नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, ये चीज तुम्हें पता है। तो यार ये वाली जो चीज है इससे भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस निकल जाते हैं, एग्जामिनर जनरली इस चीज का ध्यान रखता है कि क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसमें मतलब कुछ ऐसी कंडीशन ना आई हो कि डिनोमिनेटर ही जीरो हो जाए, तो इस कंडीशन को भी लेवरेज करके तुम क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं लेकिन एलिमिनेट तुम्हारे ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है, आंसर में तुम ये डाल के तुम्हें मतलब समझ रहे हो ना किसी तरीके से, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, लेकिन एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है जो पूरे मैथ्स में फॉलो होती है। तो कोई भी ऐसे फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है तो उसमें तुम ये डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो वाली चीज को यूज कर सकते हो। पांच चीजें सीख ली हमने, ठीक है, एन और ए की वैल्यू डालेंगे, जीरो वन नहीं डालेंगे, दो चार दस ऐसी कोई वैल्यू डालेंगे, जीरो वन में दिक्कत हो सकती है, ट्रिगो की हमने डिस्कस कर ली, एंगल्स डाल के सॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का हमने यहाँ पे यार डिस्कस किया, ठीक है, एबीसी ये जो है इसको हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मान लेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। इसके अलावा ये डिनोमिनेटर वाली चीज हमने डिस्कस कर ली आज, और एक हमने लिमिट वाली चीज भी डिस्कस कर ली, एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यश भाई फिजिक्स का भी कुछ बता दो, पथ प्रदर्शित कर दो। तो भाई देखो फिजिक्स की एक दो चीजें मेरे को पता चली है, ठीक है, जो मेरे दोस्तों ने बताई है, बता रहा था दीपांशु भाई आईआईटी दिल्ली, उन्होंने बताया कोलिजंस के क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे, ठीक है, यही होती है ना स्पेलिंग, चले मत बोलना गलत है तो, ठीक है देखो, तो M1 और M2 मास होता है जनरली कोलाइड कर रहे हैं बूम और फिर दूर भागते हैं, तो उसमें क्या करना है तुम्हें, M1 को जीरो ले लो, M2 को इन्फिनिटी मान लो, ठीक है, M1 को जीरो मानेंगे, M2 को इन्फिनिटी मानेंगे, सिचुएशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाती है। इसके बाद अपने को विजुलाइज करने की कोशिश करनी होती है, बस क्वेश्चन हो कि क्या सिचुएशन होगी, क्या रुकेगा, क्या भागेगा, ठीक है, रबर शार्पनर लेके करने मत बैठ जाना वहां पे ठोकर मरवा रहे और वो सब, थोड़ा सा M1 इक्वल टू जीरो, M2 इक्वल टू इन्फिनिटी, इस तरीके से थोड़ा सा कोशिश करेंगे विजुलाइज करने का सिचुएशन। एक क्वेश्चन और यार कैपेसिटर का लेंगे, जेई में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, तुम बोलोगे ऐसी फालतू की चीजें बता रहे, जेई का क्वेश्चन आया, ठीक है, प्रॉपर तुम्हें दिख जाएगा यहाँ पे कहीं पर, ठीक है, एडिटिंग में, तो उस क्वेश्चन को एक बार मैं पढ़ देता हूँ, रुको, क्वेश्चन में दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स दे रखे हैं, कैपेसिटेंसी है, ठीक है, कुछ लिखा हुआ है, इसके बाद ऑप्शंस देखो, E1 बाय E2 का अपने को रेशो निकालना है और वो K1 K2 K3 की टर्म्स में दिया हुआ है, E1 और E2 का अपने को रेशो निकालना है और वो दे रखा है अपने को K1 K2 और K3 की टर्म्स में, क्या करेंगे, सॉल्व करने बैठेंगे, नहीं गुड ओल्ड एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे अपना, ठीक है, जल्दी से जल्दी और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, K1 K2 K3 को इक्वल मान के 1 पुट कर देंगे, 1 पुट करते ही चार ऑप्शन जो है ना अपने ABCD उसमें से कुछ ना कुछ एलिमिनेट हो जाएगा, उसके बाद K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K3 इक्वल टू इन्फिनिटी डाल देंगे, इससे आंसर आ जाएगा, दोनों चीजें पुट करके देखना, क्वेश्चन में आंसर आए तो मेरे को बताना, पक्का आता है, मैंने करके देखा था, ठीक है, कैपेसिटर वगैरह याद आ गए पूरे, तो पहले इनको इक्वल डाल देंगे इक्वल टू 1 और उसके बाद इक्वल टू इन्फिनिटी, इससे हमारा क्वेश्चन काफी हद तक सॉल्व हो सकता है। एक और चीज मैथ फिजिक्स दोनों में अप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तुम्हें पता है तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया है, बस इन दो टर्म्स को अपने को मल्टीप्लाई करना है, तुम बहुत ज्यादा श्योर हो कि आंसर आ चुका है, क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन है, जैसे बहुत अजीब सी क्वांटिटी का 38.6 इनटू 1.2, ठीक है, अब तुम्हें क्या पता है, यूनिट प्लेस देखेंगे अपन 6 और 2, ठीक है, तो तुम्हें इस चीज का आइडिया लग गया कि जो आंसर है उसकी जो यूनिट प्लेस है उस पर 2 आएगा, है ना, यूनिट प्लेस पे 2 आने वाला है, तो इस तरीके से तुम अंदाजा लगा सकते हो। और एक चीज तुम्हें और पता है कि 38.6 है और 1.2 है, तो तुम्हें अगर ऑप्शन दे रखे हैं इस तरीके की, एक दे दिया 38 ऑप्शन, इसके अलावा एक ऑप्शन दे दिया 45 के करीब, एक ऑप्शन दे दिया 70 और एक ऑप्शन दे दिया 90, अब तुम्हें पता है कि कभी भी 38.6 इनटू 1.2 है वो 38 तो नहीं सकता, 1 से बड़ी टर्म है यहाँ पे, इसके अलावा 90 भी नहीं हो सकता क्योंकि 38.6 इनटू 2 करेंगे तो ये लगभग 76, ठीक है, कुछ बैठेगा, 38 इनटू 2 76 होता है, तो ये तो मतलब 38 इनटू 2 और 3 के बीच में होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी हट गया तुम्हारा, ये वाला ऑप्शन भी हट गया तुम्हारा, अब देखो 70 है, 38.6 इनटू 1.2 आता नहीं है ना दिमाग में, 70 नहीं होगा क्योंकि 76 है भाई, 38 इनटू 2 तो 70 होना बहुत मुश्किल है, ठीक है, आंसर क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा 45 होगा इसमें, ठीक है, मेरे को पता नहीं, मैंने किया नहीं, मैंने एग्जांपल दिया, ये 38.6 इनटू 1.2 तो ये लगभग तुम्हारा 45 के करीब बैठेगा, तो इस तरीके से तुम इसको यूज कर सकते हो, लेकिन ये जब भी करना जब बहुत कॉन्फिडेंट हो कि आंसर सही है, पता चले आंसर गलत है, यूनिट प्लेस मैच करके टिक्का भेड़ा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी थोड़ी, थोड़ा सोच समझ के इस चीज को यूज करना, केमिस्ट्री का देखते हैं जल्दी से, ये क्वेश्चन था भाई जेई में आया था, ठीक है, किसी साल में आया था, ये याद नहीं है, वीक एसिड वीक बेस है, पीएच निकालना है कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट का, ठीक है, पीके वैल्यूज जो होती है ना वो दे रखी थी, अब तुम्हें पता है कि वीक एसिड और वीक बेस होता है तो जो पीएच होता है कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट का वो लगभग 7 के करीब आता है, ठीक है, ये फैक्ट तुम्हें पता होना चाहिए, ये फैक्ट तुम्हें पता है, तो देखो 8.58 काफी ज्यादा बेसिक हो गया, नहीं हो सकता, कट जाएगा, 9.22 ऐसे हो गया, 4.79 काफी ज्यादा एसिडिक हो गया, क्या ऑप्शन बचा, 7.01 7 के सबसे ज्यादा करीब था, क्या कहेंगे इसे, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, एकदम से लास्ट क्वेश्चन तुमने मार्क फॉर रिव्यू छोड़ा हुआ है, 1 मिनट बचा है, सॉल्व करने बैठोगे बैंड बजवा लोगे अपनी, 7.01 पे सीधा टिक करोगे, कैलकुलेटेड रिस्क ले लिया यहाँ पे हमने, ठीक है, इसी तरीके से केमिस्ट्री की कुछ कुछ चीजें तुम्हें पता है तो उससे कुछ कुछ आंसर तुम्हारे निकल सकते हैं, तुम्हें ये फैक्ट पता था कि लगभग 7 के करीब होगा तो ये हो गया, तो इस तरीके से अपनी फैक्ट बिल्डिंग पे फोकस करो, इस वक्त क्वेश्चन सॉल्व करने का अब टाइम नहीं है क्योंकि अब आ चुका है भाई जेई का एग्जाम भी नीट का एग्जाम भी, इस तरीके से हम काफी चीजें देख सकते हैं। अब यार थोड़ी सी टिप्स डिस्कस करता हूं मैं जो एमसीक्यू एग्जाम में तुम्हारी हेल्प करेंगे काफी ज्यादा, 7-8 टिप्स हैं, जल्दी से देखेंगे, पहली टिप, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ लिखने की, राइटिंग अच्छी नहीं है मुझे पता है, कैन नॉट बी डिटरमिंड, ठीक है, ऐसा ऑप्शन है अगर तुम्हारे पेपर में, या कांट से, ठीक है, ये ऑप्शंस को टिक मत करना, ठीक है, तुम्हें लग भी रहा हो कि ये सही है तो ये ऑप्शंस जनरली नहीं होते हैं भाई, इस चीज को याद रखना, एग्जामिनर ने क्वेश्चन डाला बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि उसका कोई ना कोई आंसर होगा, डी पे दिया होता है हमेशा, ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में डी को तो तुम सीधा एलिमिनेट करके चलना, पहली चीज, दूसरी चीज, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन होता है एक,
और एक इस तरीके के भी कभी कभी देखे गए हैं कि बोथ ए एंड बी या बोथ बी एंड सी, ठीक है, बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी, ठीक है। तो इस टाइप के ऑप्शंस की जो होने की प्रोबेबिलिटी है, एक बुक है रॉक्स ब्रेक सिजर्स, तो भाई मैंने पढ़ी थी काफी पहले, तो उसमें पता चला था कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है होने की 52% होती है, ठीक है। चार ऑप्शन है, 25% होनी चाहिए, लेकिन इसके होने की 52% होती है। बिल्कुल तुम्हारा ऐसा है कि तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है थ्रू हुक और क्रूक, लास्ट पे एक मिनट बचा और नहीं समझ आ रहा कि इस पे टिक करो, इस पे तुम चांस ले सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज क्या होती है, एलिमिनेटिंग द रॉन्ग चॉइस, सब हर कोई बताते हैं, मैं भी बता रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या करना है, कोशिश करो कि एक या दो, दो कर दिए तो एकदम माशाल्लाह, फिर तो तुम मार सकते हो, एक भी तुमने कर दिया तुम्हारी काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है मार्क्स इंक्रीज होने की, बताऊंगा आगे कैसे, ठीक है। अब इसमें एक बच्चा बोलेगा मेरे को, ठीक है, मैंने जूनियर को बताई, बोला रे भाई मैं तो जब भी ऐसे करता हूँ एलिमिनेट करने की कोशिश, तो सही ऑप्शन को एलिमिनेट कर देता हूँ। मैंने कहा भाई देख, अगर ऐसा है ना तो जिंदगी में कर्म बहुत बुरे करे, इसलिए किस्मत अच्छी नहीं है तेरी कि तू रॉन्ग ऑप्शन को भाई एलिमिनेट कर देता है, दिल दुखाया तूने किसी का, लड़की का, ठीक है। तो ऐसा कुछ केस है तो मत करना, लड़की का दिल दुखाया, माँ बाप का दिल दुखाया तो वरना कर सकते, ठीक है। ये वाला तुक्का काफी सही तुम्हारा काम कर जाता है। एक चीज और भाई, 15 क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल वाले, तुम्हें पता है इनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, अगर किसी को भी पता नहीं है, ठीक है, कोई मेरा भाई जिसे ये चीज नहीं पता है, जो तुम्हारे 75 क्वेश्चन आते हैं जेई में, उसमें से सिर्फ 15 क्वेश्चन ऐसे भी तुम्हें मिलेंगे जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, उनके आंसर होते हैं 0, 1, 2, 3, ठीक है, इस टाइप के, ठीक है। तो उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो ये जो 15 क्वेश्चन है ना, ये तो भेड़ के आने कुछ भी। अब तुम बोलोगे क्या भेड़े, कुछ नहीं समझ आ रहा, फिजिक्स के क्वेश्चन में या मैथ्स के क्वेश्चन में 0, 1, ठीक है, इस टाइप के आंसर होते हैं। तो अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो भाई राम जी का नाम लेके 0, 1 ऐसा कुछ कराना, ठीक है, उसके ऊपर तो तुम नहीं डिटरमिन कर सकते, लेकिन 0, 1 कभी कभी तुम्हारा सही आंसर निकल जाता है, सही आंसर निकलते ही तुम्हें 4 नंबर का फायदा हो जाता है। अब तुम पूछोगे कि इन 4 नंबर का मैं क्या करूंगा, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, फैक्ट्स रखूंगा तुम्हारे सामने, ठीक है। पिछले साल के स्टैट्स हैं, जिस बंदे के 35 नंबर आए थे पिछली बार जेई में, 70% थी, 41 नंबर पे 75% थी, फर्क कितना हुआ, 50,000 रैंक का, 6 नंबर कमाए, 6 नंबर में 50,000 रैंक का फर्क पड़ गया भाई, ठीक है। ऊपर वाले लेवल पे देखो, तुम कह रहे हो भाई ये तो बहुत कम नंबर बता रहे हो, 35-40 थोड़ी आएंगे, ऊपर वाले लेवल पे देख लो, 101 नंबर जिसके थे उसके 94% आई थी, 111 नंबर पे 95% आई थी, 10 नंबर पे 10,000 रैंक का फर्क है, और ऊपर का बताओ हमें, ये भी नीचे का लग रहा है, आ जाओ जेई एडवांस पे, ये तो सबका भाई एकदम है ना एग्जाम, अब इससे ऊपर तो क्या ही जाएंगे। आईआईटी जाना है मेरे को, 270 नंबर पे तुम्हें पिछले साल आईआईटी दिल्ली की कंप्यूटर साइंस मिल रही थी, 254 नंबर आए अगर तुम्हारे, वो आईआईटी मद्रास की कंप्यूटर साइंस रह जाती है, आईआईटी मद्रास की भी कंप्यूटर साइंस अच्छी है, बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि जहां तुम्हारा आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे निकल सकता था, 3-4 क्वेश्चन जो तुमने अपने हिला दिए वहां पे, तुम्हें इतना तगड़ा लॉस होएगा ना कि ये जो दिल्ली से मद्रास की जंप होती है ये बहुत ज्यादा तेज होती है, इस चीज को तुम्हें समझना होगा, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए एक एक नंबर मैटर करता है, ये चीज भूल जाओ कि नंबर मैटर नहीं करता, हो जाएगा, एक एक नंबर मैटर करता है, इस थिंकिंग के साथ तुम्हें एग्जाम के अंदर जाना है। एक्सट्रीम वैल्यूज को डालेंगे, क्या मतलब है भाई बताओ मेरे को इसका, एक्सट्रीम वैल्यूज वो देखे तुमने जो ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें, ये वाले जो होते हैं क्वेश्चन ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ब्रैकेट एक ऐसे ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे बना हुआ है, 4 ऑप्शन दिए गए, दिमाग खराब हो रहा है, क्या करना है, ठीक है, क्या करेंगे, वैल्यूज डालेंगे, ये जो ब्रैकेट के इधर वाली वैल्यू है, 2 वैल्यू होती है ना, कॉमा एक्स वाई, एक्स डाल के, एक्स तो मतलब यहां तो बंद है, वाई डाल के देखेंगे, इसी तरीके से इसमें दे रखी है वाई जेड, तो ये जेड डाल के देखेंगे, एक्सट्रीम वैल्यूज को डाल के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने से पहले तुम्हें लग रहा है कि नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं अटकेगा, ये एक्सट्रीम वैल्यूज पकड़ेंगे, इनको डाल के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अगर ये वाली जो वैल्यू है इसी तुमने क्वेश्चन में डाली जेड वाली, ये वैल्यू ट्रू ही नहीं होल्ड करी, तो सी ऑप्शन तुम्हारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है, अगर वाई होल्ड नहीं कर रही तुम्हारी वैल्यू तो ए ऑप्शन भी तुम्हारा अपना एलिमिनेट हो गया, इस तरीके से तुम्हारे पास 2 ऑप्शन रहेगा, अब तुम कॉल ले सकते हो कि तुम्हें किसे टिक करना है, ठीक है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज को हम यूज करेंगे। पांचवी चीज तुम्हें पता है, डायमेंशनल एनालिसिस, नहीं पता तो भाई कहां जी रहे हो, कोई बात नहीं, मैं आगे सब्सक्राइब कर दो इसी बात पे चैनल पे, डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, वर्क डन पूछा है, वर्क डन बताना है क्वेश्चन में, ठीक है, नंबर्स में नहीं है, ऑप्शन अजीब से है, ठीक है, मतलब तुम्हें पता है ना कैसे बनाते हैं ऑप्शन, ग्रेविटी दे दी, मास दे दिया, एनर्जी, इन सबके टर्म्स में इन्होंने तुम्हें अलग अलग एबीसीडी 4 एक्सप्रेशन दे दिया, ठीक है, किसी में मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा है, किसी में डिवीजन में पढ़ा है, उस तरीके से, ठीक है, किसी में ऐसे मतलब 2 टर्म्स यहाँ, 1 यहाँ पे है, किसी में ऐसे है, किसी में तीनों टर्म्स जो है वो तीनों ही ऐसे मल्टीप्लिकेशन में, इस तरीके से तुम्हें 3 टर्म्स दे दिए, 4 टर्म्स दे दिए, वर्क डन बताना है, वर्क डन की यूनिट तुम्हें पता है जूल होती है, कोशिश करना है कि जूल बन जाए 4 ऑप्शन में, ऐसा हो सकता है कि 2 में जूल बन रहा हो, 2 में नहीं बन रहा, 2 ऑप्शन जिसमें नहीं बन रहा उनको एलिमिनेट कर देंगे, बाकी दोनों ऑप्शन में से फिर हमें कॉल लेनी होगी, ठीक है, फिर कुछ और तरीके लगाओ और उस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो, कभी कभी ऐसा होगा कि 3 ऑप्शन ही कट जाएंगे, जूल का जो एक्सप्रेशन है ना वो एक ही ऑप्शन में बन रहा होगा, तो उसको सीधा तुम टिक कर सकते हो कि और किसी में जूल बन ही नहीं रहा, ठीक है, तो ये भी एक काफी ज्यादा सही तरीका होता है। इस तरीके से भी मैग्नेटिज्म में काफी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाते हैं, एक्सप्रेशन के, म्यू नॉट, डी, एच, इन सब की टर्म्स में होते हैं, तो वो क्वेश्चन भी काफी ज्यादा सही तरीके से तुम्हारे सॉल्व हो जाते हैं, तो डायमेंशनल एनालिसिस को भी तुम यूज कर सकते हो। 6ठी चीज, राम भरोसे गाड़ी, ठीक है, राम भरोसे गाड़ी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि तुम भाई बैठे हो खाली और पेपर में पैटर्न बनाने लग गए, 3 क्वेश्चन थे, 1, 2, 3, 4, ठीक है, इसका ऑप्शन आया ए, इसका आया ए, इसका आया ए, अब तुम या तो सोचोगे कि भाई चौथे का भी ए आएगा, या कुछ बच्चे सोचेंगे कि 3 का ए आ गया, भाई चौथे का तो नहीं होगा ए, तुम्हारा ए आ रहा है लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं कि चौथे का कैसे होगा, 3 का तो आ गया ए, कुछ लोगों के 3 का हो गया बिना सॉल्व करे, चौथे का भी ए ठोक के आ जाएंगे, दोनों अप्रोच गलत है, इसको कहते हैं राम भरोसे गाड़ी, ये काम नहीं करना है। एक और चीज इसमें, एक और चीज आती है राम भरोसे गाड़ी में, ठीक है, बताऊं इसमें देखो बच्चे क्या करते हैं, फिर से 4 क्वेश्चन है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, अब इसमें क्या करेंगे, वो पैटर्न बना के आ जाएंगे, ए बी सी डी आ रहा था,
तो पांचवे में मतलब अगर पांचवे का डी आ गया तो सोचेंगे कि हाँ एबीसीडी बना था, तो पांचवा छठा सातवा आठवा इसका करके आ जाएंगे डीसीबी है। ये हमने टाइम बचा लिया, नहीं टाइम नहीं बचाया, तुमने अपनी नेगेटिव मार्किंग करा ली तीन क्वेश्चन पे, ठीक है। तो जहां तुम्हारे 12 नंबर भर सकते थे तुमने माइनस 3 करा लिया, 15 नंबर का फर्क पड़ गया। आईआईटी दिल्ली से आईआईटी कानपुर खड़गपुर में पहुंच गए, तुम देख लो करना था तो मतलब जो बंदा आईआईटी दिल्ली में जा रहा है वैसे काम नहीं करेगा जनरली, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। इस वाले काम से भी बचना, इसको कहते हैं राम भरोसे गाड़ी, इससे अपने को रहना है काफी ज्यादा दूर। दो चीजें और भाई, 40 क्वेश्चन थे, ठीक है, मतलब 40 क्वेश्चन तुमने कर लिए, 75 में से 35 क्वेश्चन बचे। कुछ बच्चे होते हैं ऑप्शन गिनने बैठ जाते हैं कि 40 में से 20 बार तो मेरा ए ऑप्शन आ गया, ठीक है, इसके बाद मेरा जो बी ऑप्शन है वो मेरा 10 ही बार आया, सी ऑप्शन मेरा आया 7 बार, और डी ऑप्शन 3 ही बार आया मेरा, तो डी ऑप्शन सबसे कम आया। तो बाकी के वो जो क्वेश्चन है ना भाई 35 क्वेश्चन, उसमें सब में डी ऑप्शन कहलाते हैं कि किसी तरीके से मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। बेवकूफी है भाई, ये चीज मत करना, ठीक है, बता रहा हूं मैं कुछ लोगों के लिए, जो तुम समझ जाओ अगर तुम ऐसा करने वाले थे तो ये चीज काम नहीं करती भाई, नेगेटिव हो जाएगा, बहुत तगड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इस चीज से दूर रहेंगे अपन। एक चीज और बताना चाहूंगा भाई, अपनी पहली रीडिंग में ही जो तुम पहला अटेम्प्ट कर रहे हो पेपर, उसमें नहीं करनी है ये सारी चीजें जो मैंने तुम्हें बताई है, पहले अपना ढंग से सॉल्व करना, ये सारे मेथड जो है इनको हम बाद में यूज करेंगे। मार्क फॉर रिव्यू कर लो, जिसमें तुम्हें लगता है कि ये क्वेश्चन हुआ नहीं सॉल्व लेकिन मेरे को पता है कि हो जाएगा, मार्क फॉर रिव्यू होता है ना पर्पल कलर में हो जाता है, तो उन क्वेश्चन को तुम मार्क फॉर रिव्यू कर लोगे, और उसके बाद जब तुमने एक बार हाथ से पेपर निकाल दिया उसके बाद इन चीजों को अप्लाई करने की कोशिश करोगे किन क्वेश्चन में, जिन क्वेश्चन को तुमने मार्क फॉर रिव्यू किया था, काफी ज्यादा हेल्प इस चीज से भी तुम्हारी हो जाएगी। एक चीज और होती है कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी, ठीक है, क्या बोल रहे हो भाई हिंदी में समझाओ, कहां बैठ के तुमने उस चीज को पढ़ा था उस चीज को याद करो, उस दिन कोचिंग में कौन सी लड़की को तुम देख रहे थे उस चीज को याद मत करना, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, सीता गीता को तुम याद करते हुए दिक्कत हो जाएगी। आठवीं चीज, एक्सट्रीम वैल्यूज को अपने को अवॉइड करना है। एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होती है, क्वेश्चन में भाई वैल्यूज हैं, ऑप्शन दे रखे 1, 2, 4 और 50, तो भाई 50 ऑप्शन नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली 50 को तुम सीधा एलिमिनेट करके चल सकते हो। नौवीं चीज बता दो भाई जल्दी से, सिमिलर ऑप्शंस, अगर दो ऑप्शंस हैं बहुत ज्यादा तुम्हें सिमिलर लग रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वही आंसर होगा। सिमिलर ऑप्शंस का क्या मतलब है भाई, ए बी सी डी चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, अब इसमें तुम्हें दे रखा है 120, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 3.4, 3.6, इन दोनों के होने के ज्यादा चांसेस है, क्लोज वैल्यूज है, ठीक है, 20 को और 1 को तुम रिजेक्ट कर दोगे, एक्सट्रीम वैल्यूज को 3.4 3.6 होने के ज्यादा चांसेस हैं, इस चीज को भी याद रखेंगे, ठीक है। एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूं, अगर तुमने क्वेश्चन ही 10-15 अटेम्प्ट कर पाए, किसी वजह से तैयारी अच्छी नहीं रही भाई मेरी, मेरे तो इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट होकर आए, तो क्या छोड़ोगे पेपर, मैं कहता हूं नहीं छोड़ के आएंगे पेपर, बाकी के जो क्वेश्चन है सब पे मार के आएंगे, लेकिन ये नहीं कि ए बी सी डी डी सी बी पैटर्न बना दिया, एक ऑप्शन पकड़ना सब पे मार के आ जाना, ठीक है। वैसे मैं कह रहा हूं भाई इतनी सारी ट्रिक्स के बाद 10-15 मत करना, थोड़े मेरे को लगता है 10-15 से 20-25 हो जाएंगे, लेकिन किसी वजह से नहीं आना कॉन्फिडेंस तो सब पे एक ऑप्शन मार के आना, बहुत ज्यादा चांसेस है गलत हो जाए लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है सही हो जाए, और अगर सही होता है तो तुम्हें +4 मिलता है, गलत होता है तो -1 मिलता है, तो तुम्हारा इन दी एंड फायदा होगा लेकिन बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा, लेकिन ऐसा देखा गया है जनरली, कैसा देखा गया कि +5, +10, +12 का फायदा हो जाता है जब इतने सारे क्वेश्चन तुम्हारे अटेम्प्टेड होते हैं, तो जो तुम्हारे अगर नंबर आने थे 60 वो नंबर तुम्हारे आ गए 80 या 90, तो तुम्हारी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी कम से कम जाएगी, ठीक है, तो तुम एडवांस में बैठ पाओगे, इस चीज को ध्यान रखेंगे कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था मेरे को लगा बताना चाहिए मेरे को, और रिवीजन पे थोड़ा सा फोकस करना यार, ठीक है, मतलब पेपर को देख लेना एक ही बार नहीं, कोशिश करना कि दो बार तुम्हारी आंखों के सामने से निकल जाए तो काफी ज्यादा भाई सही रहता है। इसी के साथ यार ये वाली वीडियो खत्म करते हैं, होप तुम्हें पसंद आई होगी भाई, काफी ज्यादा लोगों को कॉन्टैक्ट करना पड़ा ये वीडियो बनाने के लिए, इन सारी टिप्स को ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट वाइज जो मैंने थोड़ी सी टिप्स बताई है उनको भी अपन याद रखेंगे, जेई में तुम मचाने वाले हो, नीट में तुम मचाने वाले हो, मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है तुम लोगों पे, वीडियो को लाइक करेंगे यार, पसंद आई तो वीडियो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो @yashjeez मेरा हैंडल है, ठीक है, फॉलो वालो मार लेना अपने भाई को, और कोई भी दिक्कत हो तो बता सकते हो, ठीक है, इसके अलावा बाकी सारे सोशल हैंडल्स यहां दिख जाएंगे मेरे, उनको देखो अच्छे से निहार लो, ठीक है, अपने भाई ने भाई पूरी जान लगाई है वीडियो पे, लाइक करके कमेंट करके जाने JEEOP, ठीक है, सारे लोग कमेंट करेंगे JEEOP, ठीक है, JEEOP या NEET OP, जो भी तुम्हारा एग्जाम है, रियली होप टू गॉड यार अच्छा जाए, प्रे फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत सारे कॉलेज रिव्यूज कर रखे हैं मैंने अपने चैनल पे, टॉप IITs के NITs के पूरी प्लेलिस्ट बना रखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुम उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हो, उसे काफी ज्यादा मजा आने वाला है होप, और ऑल नोटिफिकेशन के लिए उस बेल आइकन को जरूर दबा के जाना, कोई छोड़ के नहीं जाएगा, कोई भी वीडियो आती है JEE NEET से रिलेटेड या कॉलेज रिव्यू सबसे पहले तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, कोई ना कोई बच्चा जरूर होगा वीडियो के नीचे कमेंट करेगा मैंने ये सारी ट्रिक्स यूज करी थी JEE के अंदर, अब मैं रिक्शा चला रहा हूं, दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है भाई, समझ के बोल रहा हूँ यार, दिल से बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार, करते हैं खत्म ये वाली वीडियो, निकल लो जल्दी से, पढ़ाई वढ़ाई कर लो, लाइक करके जाना, बाय बाय बाय, चलो।